वार्ड पार्षद आशा शर्मा की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वारघाट क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत स्वाहन के गांव खेरिया के लोग रेलवे के निर्माण कार्य से परेशान हो गए हैं। इन लोगों को रेलवे टनल निर्माण कार्य के चलते काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। इस बाबत गुरुवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व जिला परिषद सदस्य विजय कुमार की अगुवाई में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से मिला और इस ओर उचित कदम उठाए जाने की मांग की। यह गांव जो तहसील लड़ादी में पड़ता है, जो कैंची बोर्ड के बिल्कुल साथ है, जहां पे रेलवे निर्माण में जुटी कंपनी मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो कार्य कर रही है। और जब ये रेलवे का सर्वे हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहाँ पे लोगों का जमीन का मकानों का नुकसान होने की संभावना थी, मगर खैरिया गांव में जो टनल 10P1 जो पोर्टल 1 है फर्स्ट साइड पे पंजाब की ओर जो है, तो उसमें उसके बाद जब ब्लास्टिंग और जो अंदर काम चला हुआ उसकी वजह से खैरिया गांव की जो इरीगेटेड जमीन है वो, उसके साथ साथ जो मकान पक्के कच्चे जो पशुशालाएँ हैं वो सारी उन पर दरारें आ गई हैं। और इसमें बड़े दुख की बात है कि प्रशासन को हमने पहले भी लिख के दिया था, इन लोगों ने, गांववासियों ने, और जो वहाँ के वार्ड मेंबर हैं और जो वहाँ के पंचायत वालों ने भी लिख के दिया था, पर उस पर सिंपल एक चिट्ठी का जवाब देने के बावजूद और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका री सर्वे होना चाहिए था, री इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी, मगर उसका उस मुआयना ना करने की वजह चिट्ठी हर किसी को भेज दी गई जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं है। आज उस गाँव से कम 60-70 लोग जो है डी साहब से मिले हैं, जिनके जो पूरी तरह प्रभावित लोग हैं, जिनकी जमीन, पानी के सोर्स और पशुशालाएं, पक्के मकान जो जिन खराब हो गए, बड़ी बड़ी दरारें जिनमें आ गई हैं और पानी के सोर्स सूख भी गए, और वो उसके बाबत जो डी साहब को, जिलाधीश महोदय को मिलने आए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ पे दोबारा मौका कराया जाएगा और SDM स्वागढ़ को उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि वहाँ पे जाके देखें और कंपनी के सक्षम अधिकारी को, टेक्निकल स्टाफ को आप बुला करके, उसका सारा रेवेन्यू वालों को बुला करके वो देखा जाए, तो लोगों का नुकसान का उन्हें आश्वासन दिया कि नुकसान हम आपका नहीं होने देंगे, ये उन्हें आश्वासित किया है। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं और तमाम बच्चे जो है जो प्रभावित लोग परिवार में से, वो हमारे साथ आए हैं। आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है डी साहब को, अगर सरकार या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, आने वाले दिनों में हो सकता है वहाँ पे कोई आंदोलन भी हो, और उसमें हम नहीं चाहते कि आंदोलन में जाएं, मगर मजबूर करके किया तो आंदोलन भी होगा। सर जी, मैं गांव खैरिया से हूँ, वार्ड पंच हूँ। मेरे गांव की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि टनल निकलने की भावना से हमारे गांव में जो पीने का पानी था वो भी जा चुका है, जो कुल्ली रकबा था सर वो भी हमारा ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग बहुत ही व्यवस्था से झूल रहे हैं, क्योंकि ना ही हमने एप्लीकेशन भी दी थी सर यहाँ पे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई, SDM के पास भी गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कार्रवाई की, लेकिन अब तो हम बेरोजगार बंदे हो गए हैं, हमें कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ना ही तो पानी पीने का है, और घर भी जा रहे हैं, पानी भी जा रहा है, रोजगार भी जा रहा है। हमारी प्रदर्शन से रिक्वेस्ट है, ज़मीनें भी जा रही है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज बेबस होके हम पूरे गाँववासी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं सभी यहाँ हाजिर हुए हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। टी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।